इंडिया का लास्ट स्टेशन है अटारी और पाकिस्तान का फर्स्ट स्टेशन है बागा। लाहौर यहाँ से ओनली 23 किलोमीटर और यहाँ लिखा गया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए उन्होंने झंडा लगाया नहीं वहाँ पे। जिनकी बुकिंग है वो इस साइड से जा रहे हैं, वही सेम लिस्ट और आधार कार्ड चेक करके जो नॉर्मल है वो इस साइड से जा रहे हैं। बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया में खड़े हैं। इसके घड़ी में आ रहा है टाइम जोन पाकिस्तान का। मेरे केसर दी ढाबे दी स्पेशल थाली। इस तरह से कुछ चल रहा है हाईवे, जा रहे हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल की साइड कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको फौरन बताऊंगा इस ब्लॉग के एंड में। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन और एक नई वीडियो में। तो ये पार्ट टू है मेरी प्रीवियस वीडियो का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये है उसका थंबनेल जिसमें मैंने और सागर ने दिन में एक्सप्लोर करा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग का बहुत छोटा ग्लिम्स है। मेनली गोल्डन टेम्पल है और आसपास की मार्केट। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अटारी वाघा बॉर्डर। टाइम हो रहा है 3:15। ऐसा कुछ सा हाईवे है, यहाँ से स्ट्रेट हमें जाना है और हम ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे। वहाँ पे परेड होगी। हमारे वहाँ पे VIP टिकट्स ऑलरेडी अलॉटेड है। सागर के कॉन्टेक्ट के थ्रू हमें वहाँ पे टिकट्स मिल गए हैं VIP टिकट्स। नॉर्मली टिकट्स भी मिलते हैं पर वो उसमें आपको पीछे बैठना पड़ता है, मे बी एंट्री ना मिले। जल्दी जाना पड़ता है लाइन में लोगों, मतलब शायद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप वाला होता होगा सिस्टम। कॉन्टेक्ट से तो हमने थोड़ा वहाँ पे उनसे बातचीत करके हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली। हमें बस अपना आधार कार्ड रखना है और हमें एक सीरियल नंबर मिला है, उससे वेरिफिकेशन होगी हमारी आईडी की और हमें वहाँ मिल जाएगी जगह। तो जो भी पूरा एक्सपीरियंस होता है मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से आपको क्लियर पाकिस्तान दिखता है, पाकिस्तान और इंडियन आर्मी का आपस में परेड वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो सब इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग व्यूज़। जो भी वहाँ पर नज़ारे होंगे वो आपको दिखाऊँगा। सीधा सीधा हाईवे चल रहा है मस्त अपना। यहाँ से बस 2.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है डेस्टिनेशन, वहाँ जाके देखना है पार्किंग वगैरह। आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे मे बी पाकिस्तान या वाघा का कुछ आ जाए। क्या रहा है लिखा हुआ, अटारी बॉर्डर रेलवे स्टेशन यही से है। हमारा प्लान है आते हुए रेलवे स्टेशन भी देख के आना इसका, अटारी बॉर्डर का, क्योंकि यहाँ पर पहले इमिग्रेशन भी होती थी तो वो भी देखने की चीज़ होगी एक। तो जब समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी दिल्ली से लाहौर के लिए, तो इंडिया का लास्ट स्टेशन है अटारी और पाकिस्तान का फर्स्ट स्टेशन है वाघा। तो दोनों साइड से इमिग्रेशन होती थी, यहाँ से इन और वहाँ से, मतलब यहाँ से आउट और वहाँ से इन। सामने अगर आपको दिख रहा है कैमरे में तो ये इंडिया का फ्लैग दिखना स्टार्ट हो गया है। पर फॉगी वेदर है, फॉगी है, पॉल्यूटेड है, समझ नहीं आ रहा क्योंकि 2 दिन पहले दिवाली भी थी। लाहौर यहाँ से ओनली 23 किलोमीटर्स और यहाँ लिखा आ गया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान तो मतलब यहाँ से बहुत ही पास है, सामने पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 1 किलोमीटर लो लिखा आ गया। अरे इसका टेम्पो का इड़ रहा है भाई, ये देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। साइड में इस तरह से कुछ है, कांटे वाली ग्रिल लगा रखी है। यहाँ पे झंडे और टोपियाँ बेच रहे हैं इंडिया की। सामने वो रहा इंडिया का झंडा, मे बी पाकिस्तान का झंडा ना दिखे क्योंकि मैंने जिसका रिसेंटली ब्लॉग देखा है वो भी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान गया था। तो वहाँ पे जो इनका बेस कैंप है जहाँ पे झंडा वगैरह लगा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसकी वजह से इन्होंने फ्लैग नहीं लगा रखा वहाँ पे, मे बी गंदा हो जाता है इसलिए। दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर फिलहाल तो इंडिया का झंडा भी साफ नहीं दिख रहा फॉगी वेदर के चक्कर में। चेक पोस्ट लगा हुआ है पूरा, हमारी VIP एंट्रेंस है, नॉर्मल एंट्रेंस के लिए इधर पार्किंग है, हमारी VIP रजिस्टर्ड एंट्रेंस है। कार अपने कर दी हमने पार्क, Zone 5 में करी है क्योंकि हमारा Zone 50 कुछ ऐसा मिला था सीरियल नंबर। सुनो नीचे से ये पार्क कर हमने तारों के नीचे से। ये इस तरह की बसेस चलती हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस, टूर बसेस होती हैं, ये भी आप ले सकते हो। ये आपको पूरा व्यू वगैरह यहाँ पे अमृतसर के आई थिंक एक दिन की आइटनरी कवर करेगी।
और अंदर पावर बैंक, हेडफोन्स और चार्जर अलाउड नहीं है। वाटर बॉटल वगैरह आप कैरी कर सकते हैं, जैसे हम एक वाटर बॉटल कैरी कर रहे हैं। खाने पीने की दुकानें पूरी बना रखी हैं यहाँ पे, पॉपकॉर्न की हो गई, वाटर बॉटल्स, चिप्स वगैरह की। और यहाँ भी ये टोपियाँ, फौजी के कपड़े वगैरह बेच रहे हैं। फौजी के कपड़े ये लेने हैं तुम्हारे फ्यूचर मुन्ना के लिए, फौज में जाएगा जो आपकी मम्मी के लिए ले। ले लिया सामान भाई, कुछ नहीं पता कितनी देर लगे, पॉपकॉर्न और एक वाटर बॉटल, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। अब एंट्री देखते हैं हमें कहाँ से एंट्री मिलेगी, कितनी प्रिविलेज मिलेगी हमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। यहाँ से है वीआईपी लेन की एंट्री, ये देखते हैं यहाँ कैसी चेकिंग वगैरह क्या कर रहे हैं। ये पहला चेक पॉइंट क्रॉस हो गया। बेसिकली क्या करते हैं, जब आप रजिस्टर करते हैं एक सीरियल नंबर मिलता है आपका, तो आपको आधार कार्ड अपना और सीरियल नंबर मैच करवाना होता है, फिर एंट्री मिल जाती है, जो कि हमें मिल गई है फर्स्ट चेक पॉइंट। अब यहाँ पे सामान वगैरह जो है वो चेक करेंगे, जेब वगैरह, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चेक पॉइंट क्या है। ये रहा अपना क्लोज व्यू अपने भारत के, इंडिया के झंडे का, और जो सामने वाला पोल है वो है पाकिस्तान के झंडे का पोल, जो कि उन्होंने उस पर झंडा नहीं लगा रखा। आपको मैंने कार में बताया था इसका रीज़न, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए उन्होंने झंडा लगाया नहीं वहाँ पे, गंदा होने के चक्कर में मे बी। अभी हम और आगे जा रहे हैं, यहाँ एक दिखा रखा है समझौता टाइप का, हाथ मिलाते हुए बॉर्डर है। सामने है पाकिस्तान, गाने बज रहे अंदर शाहरुख खान के। जिनकी बुकिंग है वो इस साइड से जा रहे हैं, वही सेम लिस्ट और आधार कार्ड चेक करके जो नॉर्मल है वो इस साइड से जा रहे हैं। हम आए हैं वहाँ से, ऐसा कुछ सा सीन है। एंट्री मिल गई हमें, इस तरह से कुछ सीन है। आवाज नहीं आ रही क्योंकि मेरी बहुत शोर मच रहा है यहाँ गाने का, और सामने पाकिस्तान का बॉर्डर, वो है पाकिस्तान की साइड। आवाज आ नहीं रही होगी, क्या का झंडा होता है पाकिस्तान का, पर इन्होंने बनाया नहीं। बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये हम इंडिया में खड़े हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है हम। यू कैन सी दिस बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। इसके घड़ी में आ रहा है टाइम जोन पाकिस्तान का, मेरे वो घड़ी में तो ऑब्वियसली इंडिया का आएगा क्योंकि पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे है। तो अगर आप ऑफिशियली पाकिस्तान में आ गए हैं, अरे हम वहाँ पे गए थे ना, हाँ हम वहाँ गए इसलिए उसने नेटवर्क पकड़ लिया। अब हमारी परेड स्टार्ट होने वाली है इंडिया साइड की, वहाँ तो चले जाएंगे हमारी। ये देखो क्या कर रहा है वो, ये बंदे आ गए भाई, जरा से भरा हुआ था और हमारी साइड देखो कितनी भरी हुई है भाई। ये देखो पूरा हाउसफुल, वो बड़ा खाली पाकिस्तान। Oh.
पाकिस्तान साइड वाले आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं झंडा सा? ताजिया ताजिया। ओ भाई हिंदुस्तान। चलो भाई अंदर से परेड परूड देख के निकल गए। टाइम हो रहा है 5:45। देखो आपने वीडियो में बहुत मजा आया। तो गूज बम्स आ रहे थे बीच बीच में, तो थोड़ा शाउट वगैरह कर रहे थे। अब भीड़ देखो यार, इतनी भीड़ छूट रही है। यहाँ से बड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ से निकलते हैं बाहर और तो देखते हैं। तो हम वहाँ से निकल गए थे, टाइम हो रहा है 6:50। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स केसर द ढाबा, फेमस ढाबा है बहुत ज़्यादा यहाँ का। हमने सुबह से बस लंगर और कड़ा प्रसाद ही खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। लस्सी भी थी, तब से बॉडी सिर्फ पानी पे चल रही है। अब वहाँ पे जाएंगे, खाना खुना खाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना। हमें कपड़े मैंने चेंज कर लिया था, कुर्ता पहन के यार सुबह से अजीब सी हो गई थी बॉडी ना, अड़ रही थी बॉडी के अंदर, थोड़ा टाइट टाइट सा था, तो अपने कल वाले कपड़े ही पहन लिए। मैंने कहा नए कपड़े जो हैं वो सीधा नहा के ही पहनेंगे। इस तरह से कुछ रोड चल रही है, ट्रैफिक ऑब्वियसली, सीधा सीधा रोड है। एक बार ढाबा पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्लान। चलो भाई हम फिर से अमृतसर की गलियों में, गाड़ी पीछे पार्क कर दी है, अब जा रहे हैं हम केसर द ढाबा। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना गलियों वगैरह में गाड़ी ले जाना, तो मैंने सोचा जहाँ पार्किंग दिख रही है वहाँ गाड़ी लगा दो। 250 मीटर दूर है यहाँ से, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। अब थकान होनी स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी, क्योंकि रात में हम चार पाँच घंटे ही सोए हैं। पहुँचते हैं और देखते हैं किस तरह का खाना पीना, फेमस तो बहुत ज़्यादा है। भीड़ बता रही है कि हम केसर के ढाबे पे पहुँच गए हैं। हाँ हो रहा, केसर का ढाबा रेड कलर दिख रहा है। चलते हैं भाई, या तो वेटिंग लग रही है मेरे ख्याल से। वेट टाइम होगा पक्का। मेन्यू है ये इनकी फेमस स्पेशल थाली, ये प्राइसेस है। बाकी ये हो गया कुलचे नहीं है इन पे। इसमें हमने एक थाली ऑर्डर करी, दोनों मिलके खाएंगे जिससे हमारे कैपेसिटी बचे, तो हम
कुलचे भी खाए, कुलचे जरूर खाने भाई, आए तो अमृतसरी कुलचा इस तरह से कुछ है, बढ़िया है सब, अपना खाना पीना आया, खा पी के निकलेंगे यहाँ पे। ये देखो दूसरा ढाबा वॉर्ड वगैरह, थाली आती है उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह की थाली है। ये आ गई भाई हमारी स्पेशल केसर दी ढाबे दी स्पेशल थाली, खतरनाक आगे से चूर चूर करा, मजा आ गया। इसको खाते हैं और फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है, क्या क्या खाना है और क्या करना है, खतरनाक। ऑल राइट गाइस, तो हम वहाँ से निकल गए थे केसर के ढाबे से और हम थोड़ा मतलब आधा पौन घंटा आगे आ गए हैं, टाइम हो रहा है 8:30 और फिलहाल हम हैं अमृतसर पठानकोट हाईवे पे और अब निकल रहे हैं हम हिमाचल की साइड। हिमाचल की साइड कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगा इस ब्लॉग के एंड में। और ऑल ऑफ अ सडन हमारा प्लान बना वहाँ जाने का, फिलहाल फ्यूल ब्रेक के लिए रुके थे अपनी गाड़ी, फ्यूल ब्रेक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे, रात को पहुँचेंगे मिडनाइट हमारी डेस्टिनेशन पे, वहाँ जाके दिखाता हूँ और जो भी थ्रू आउट द रास्ते में सफ़र होगा वो आपको दिखाता हूँ। सो डू फॉलो मी ऑन दिस जर्नी। इस तरह से कुछ चल रहा है हाईवे, कोहरा बाहर इतना ज़्यादा, हाई बीम में लो बीम में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, कैमरे में ज़्यादा साफ दिख रहा मेरे ख्याल से, रियल में नहीं दिख रहा इतना। चल रहे हैं बस, अभी 4 घंटे और दूर है डेस्टिनेशन। ये हम जा रहे हैं हिमाचल की तरफ, ये है सबूत। ऑल राइट गाइस, सो फिलहाल अभी हम बीच में कहीं हिमाचल के बीच में, जगह का नाम नहीं पता, कोई गांव है और अभी बज रहे हैं 12:15, दिखाता हूँ मैं आपको, 12:15 हो रहे रात के और कोई नहीं है हाईवे पे, बिल्कुल खाली अंधेरा हाईवे और हमारी डेस्टिनेशन अभी भी यहाँ से 2.5 घंटा दूर है, 84 किलोमीटर है बट 2.5 घंटा बता रहा है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, ये दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, बीच बीच में ठीक आ जाता है पैच पर मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब रोड है। कार इज़ परफॉर्मिंग गुड एज यूजल, पर पता नहीं कुछ ड्रामा कर रहा है वहाँ, ये हवा भरने वाली मशीन से कुछ छेड़म छाड़ी, नहीं 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 भाई हवा फुल है, ज़्यादा ही होगी हवा, चेक करना एक बार, छोड़ो यहाँ से निकलते हैं। अभी फ्यूल भरवाने के लिए रुके थे, डीजल तो था कार में, मैंने कहा आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो भरवा ही लो, अब सीधा सीधा चलते हैं। हाँ गाड़ी में हवा ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाती है, हाँ टायर गर्म हो जाता है ना इसलिए, पता है मुझे, थोड़ा स्ट्रेच करते बॉडी फिर निकलते हैं यहाँ से। मौसम मीठी मीठी ठंड हो रही है, सागर को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, जैकेट पहन के बैठा है, एसी भी नहीं चलाने दे रहा। What are you talking, man? हाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, खिड़की खोल के चलाऊंगा फिर, ठीक है no, no, sorry. चलो फिर निकलते हैं, डेस्टिनेशन पहुँच के एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अब रुके हम जाके, 1:15 बज रहे हैं, यहाँ एक हमें ढाबा दिखा इतने घंटे के सफ़र पे, इस तरह से कुछ रोड हो गया है, ये गाड़ी पार्क है अपनी, टाइम हो रहा है 1:15, अब यहाँ डिनर करेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं, अभी भी 1 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटे का रास्ता बाकी है, यही हो रहा था मैं कि खाना कब खाएंगे, तो फाइनली में खाने का ब्रेक मिल गया, सिंपल दाल रोटी खाएंगे और खा के निकलते हैं। खाना वगैरह खा लिया हमने, अब हम यहीं से हमारी ट्रिप की पहली चाय पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है ठंड, मीठी मीठी बढ़िया वाली ठंड। टाइम क्या है? 15 डिग्री पहुँच गया है और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:57। चाय पीते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सीधा मिलता हूँ आपको होटल में चेक इन करके हमारी डेस्टिनेशन पे। ऑल राइट गाइस, सो वी फाइनली मेड इट टू आवर डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन है हमारी बीर बिलिंग, बैजनाथ बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट कुछ भी आप बोल सकते हो, और अभी बज रहे हैं 3 तो बिल्कुल थके हुए हैं, सागर को देख सकते हो आप। 3:40 हो रहे हैं सच में भगवान कसम, बंद करो यार। लो भाई 3:40 हो गए हैं, डेड टायर्ड,
अब सुबह की एक्टिविटी जो भी होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेगी. सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट योर थॉट्स बिलो. बाय बाय, टेक केयर.